अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं सनाउल लगंदर। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है रैंप, जो सर्विस स्टेशन के लिए रैंप बनाते हैं उसके लिए जो स्टील है वो बॉटम का स्टील कैसे डाला जा रहा है और उसकी कैसे ड्राइंग पड़ी जाती है। तो ये सारी मैं चीज़ें जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया करेंगे। अगर आपको सिविल के रिलेटेड में कोई चीज़ चाहिए तो आप नंबर मेरा ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसमें चैटिंग करके मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सिविल के रिलेटेड मैं यूए में रहता हूँ, आप कुछ भी उसके एक्सपीरियंस के बारे में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको ड्राइंग से बताता हूँ कि ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिकली काम है वो कैसे किया जाता है। जी डियर, अभी हम ड्राइंग ओपन की है, तो ये आप ड्राइंग ऐसे पढ़ सकते हैं जहाँ पे इसके ये दुबई से अप्रूवल हुई है। तो ये जो चीज़ है ये लाजमी देखनी होती है कि क्या हमारी ड्राइंग है वो अथॉरिटी से अप्रूवल है या नहीं है। तो मेन चीज़ जो ड्राइंग अप्रूवल नहीं है उसको फॉलो नहीं करना, तो लाजमी ये चेक करना था कि जो भी ड्राइंग है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो लाजम अप्रूवल हो, तो बाकी जो ड्राइंग है जो अप्रूवल के बगैर है उसको फॉलो नहीं करना। तो हमारे ये पूरा जो है ये ड्राइंग है, ये गराज बना हुआ, तो बाकी जो पूरा काम है ये पहले ऑलरेडी रेडी है, सब कुछ हो चुका है। तो हमारा जो ड्राइंग है वो हमने ये बनाना है, तो हमने ये सिर्फ सर्विस स्टेशन यहाँ पे बनाना है। तो इसको मैं ड्राइंग जो है आपको आगे दिखाता हूँ कि हाईलाइट, तो ये देखें आप, बाकी ये ड्राइंग बड़ा है तो पूरा गराज का है, पूरा प्लाट का है, प्लाट एलिमेंट्स यहाँ पे दी हुई है और इधर यहाँ पे दी हुई। तो ये हमने सिर्फ जो क्या बनाना है यहाँ पे सर्विस स्टेशन, तो ये जो है रैंप बनाना है, तो इसकी जो ड्राइंग है ये बड़े में दी हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो उसको कैसे कौन सा स्टील कटिंग करना है और कौन सा बैंडिंग करना है। तो डियर्स, ये हमारी रैंप की ड्राइंग है, ये लिए आवाश रैंप डिटेल स्लैब लेआउट एंड सेक्शन, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो वैसे ये हम सर्विस स्टेशन बनाना है, तो यहाँ पे ये वाल दी हुई है, आरसीसीसी वाल है, तो चार वाल दी हुई है, तो यहाँ पे ये स्टेयरकेस दी हुई है तो रैंप, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग लेवल है वो यहाँ पे 00 लेवल है। हमने एग्जिस्टिंग लेवल वो होता है जो पहले वहाँ पे जो कोई भी जगह चीज़ बनी हुई होती है, रोड होती है, अगर एग्जिस्टिंग लेवल लिखा हुआ है तो मतलब उसी को 00 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 SS लेवल लिखा हुआ है, यहाँ से हमने ये रैंप बनाना है। तो ये यहाँ तक रैंप आएगा 8 मीटर 10 सेंटी, यहाँ पर रैंप आएगा, उसके बाद में ये स्ट्रेट है, यहाँ से जो है गाड़ी इसके ऊपर आएगी, फिर यहाँ पर उसको खड़ा करके निवाश किया जाएगा। और इसका जो ये नीचे राफ्ट है इसके आप ये पढ़ सकते हैं कि स्टील जो है 16 mm का है एट द राफ्ट एंड 150, तो मीन्स 15 सेंटीमीटर जो है इसका सेंटर टू सेंटर से स्पेसिंग है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक आ जाएगा जो इसका इधर है, तो ऊपर जो बाकी जो है ये स्लैप आएगी। तो हमने इसका राफ्ट जो स्टील है PCC करने के बाद में इसका राफ्ट स्टील कर दिया। तो PCC जो ड्राइंग पढ़ने के टाइम में ये चीज़ जो लिखी हुई है इसकी 10 सेंटी जो है वो PCC कंक्रीट है, सिंगल लेयर 1000 गेज जो है पॉलीथीन शीट है और 25 सेंटीमीटर थिकनेस रोड बेस एसवेल रिपोर्ट। तो इसके जो एक्सवेशन के बाद में एक्सवेशन करने के बाद में इसको कंपैक्शन करने और उसका सेल टेस्ट लेने के बाद में फिर 25 सेंटी जो है वो रोड बेस भी डालना है, रोड बेस कम एक्शन करने के बाद में फिर एंटी टर्माई करते हैं, एंटी टर्माई के बाद पॉलीथीन शीट डालते हैं, तो वो उसके बाद में फिर 10 सेंटी PCC कंक्रीट करते हैं। तो ये चीज़ें ये लिखा हुआ है, तो इसी को लाजम जो है फॉलो करना है। तो हमारा जो लेवल दिया हुआ है क्या हमने इसका कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रख, तो ये दिया हुआ, तो इसका जो बॉटम ऑफ राफ्ट है वो -90 है, तो ये याद रखना है, ये हमारा जो है +80 है, तो यहाँ पे इधर 00 लेवल दिया होगा यहाँ पे, तो 00 लेवल जो है एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा है ये एरिया में, तो ये इसका जो है ये 00 लेवल है। तो यहाँ पे इसने
जीरो जीरो लेवल शो नहीं किया, माइनस 50 कर दिया एसएस। तो राफ्ट का जो टॉप है वो माइनस 50 सेंट है। और जो हमारा पूरा स्लैब रेडी होने के बाद जो सर्विस स्टेशन है उसका है प्लस 80, तो वो मीटर में है प्लस 80.80 मीटर। तो ये आपके टॉप लेवल है, ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसका सेक्शन आपको दिखाता हूँ कि हमारा रैंप ये वाला जो रैंप है इसको बनेगा। तो यहाँ पे इसका सेक्शन कट किया, हमारा ये राफ्ट रेडी हो जाएगा। और इसका बीच में ये स्ट्रेंच दिया वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइंग में सेक्शन दिया। तो ये वाटर रेंजिंग जो ट्रेंच है ये यहाँ से इधर से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक इधर तक ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला है इधर से देख सकते हैं 1 मीटर 50 सेंटी, 1 मीटर 50 से ये स्ट्रेंच स्टार्ट होती है। तो इसकी जो विथ है वो 30 सेंटी है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं देती लेकिन ऑटो कैट से चेक किया तो वो 30 सेंटी। तो इसका जो सेक्शन है यहाँ, इसका जो पूरा सेक्शन है वो यहाँ पर कट आउट किया हुआ। तो ये राफ्ट है, राफ्ट के बाद में ये हमारा ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक के बाद में इधर ये हमारा बीम आएगा और उसके ऊपर स्लैब बन जाएगा। तो इसका 1 मीटर 700 है एमएम, और 1000 बीच में जो खाली जगह है एमएम में, तो और यही भी 1700 एमएम में पूरी ये। तो यहाँ पे हमारी ये बैक फिलिंग हो जाएगी, ये ब्लॉक लग के ये बैक फिलिंग हो जाएगी, ऊपर फिर दोबारा स्लैब बनेगी। और बीच में हमारा ये जो जगह है ये खाली रहेगी आने जो गाड़ी को धोने के लिए। तो ये नीचे जो ट्रेंच वाटर जो है ट्रेंच बना हुआ है वे 30 सेंटी है। तो इसको आपने ध्यान से रखना है कि दोनों साइड से सेंटर लेके उसको बराबर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। जो स्टील है वो 16 mm की है और जो सेंटर टू सेंटर में स्पेस है 150 mm में, दोनों की सेम है। तो बहुत इजी है, जो बीम का सेक्शन दिया वो यहाँ पे दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं शेड्यूल ऑफ रूफ फ्लोर बीम, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अभी नज़र आ रहेगा शेड्यूल ऑफ रूफ फ्लोर बीम्स। तो यहाँ पे साइज दिया हुआ है B1 जो है वो 200 mm है और उसका जो 450 उसका विथ है। तो ये आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, इसका स्टील दिया हुआ है। और इसके बाद में एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाए तो जो कॉलम की जो लेआउट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वाशिंग रैंप रूम राफ्ट एंड कॉलम, यहाँ पे आप वाशिंग रैंप डिटेल राफ्ट एंड कॉलम लेआउट। तो यहाँ पे जो कॉलम लेआउट ये दिया हुआ है, इसकी पूरी जो फरमाइश है मेजरमेंट वो यहाँ पे दी हुई है। तो इससे जो मेजरमेंट है हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो सेक्शन कॉलम का दिया है वो यहाँ पे कट आउट किया है। तो कॉलम हमारा जो 20 और 45 सेंटीमीटर के, और 6 स्टील इसमें 16 मिली के आएंगे, और जो इसके स्टीरअप हैं वो 8 mm के हैं, 20-20 सेंटर टू सेंटर 20 सेंटीमीटर है, 200 mm। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इसकी समझ आएगी। ये जो ये नीचे दिया हुआ है R1, तो ये हमारा है जो वाल है RCC इसके दी हुई है, तो उसमें 10 सेंटी का स्टीरअप डालना है 10 mm का, और 200 mm जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और इसमें 16 mm की स्टील आ रहा है और उसको 20-20 पे लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि शटरिंग जो है लगा दी गई है और उसको कैसे उसका स्टील जो है वो डाल दिया गया है, देख सकते हैं आप। हमने इसका पूरा स्टील डाल दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले जो है साइड से पीसी जो है वो की हुई है वो दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी कंक्रीट की हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जगह है, मैं आपको रोड बेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो मट्टी डाली होती है ये सपोर्ट के लिए जो पीसीज करते हैं उसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप पूरा है ये रोड बेस यहाँ पे डाला हुआ, रोड बेस डालने के बाद में पॉलीथीन शीट डाली है, पॉलीथीन शीट के बाद में 10 सेंटी जो है वो पीसीज कंक्रीट की थी उसके ऊपर बिटुमिन। तो ये चीज़ें जो है ये लाजमी याद रखनी है, इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं कि एक्सकेवेशन करने के बाद क्या करते हैं। तो इसके बाद रोड बेस के बाद एंटी टर्माइट जो है तो वो इंटरव्यू में बहुत अहम क्वेश्चन वो पूछते हैं, एंटी टर्माइट क्या का होता है, उसको क्यों करते हैं। तो उसको रोड पोस्ट पेज के लिए करते हैं, जो कीड़ा मकोड़े हैं वो मारने के लिए।
और इसके बाद हमने सेटिंग लगा दिया। सेटिंग का मार्किंग करने के बाद अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो स्टील है वो डाल दिया, तो ये पूरा स्टील जो है जो बी वन है, ये बी जो बी वन स्टील है उसकी देख सकते हैं आप लेंथ डबल है, दोनों साइड में एल बनाए हुए, तो डोलमेन लेंथ जिसको कहते हैं, एल मतलब डोलमेन में। तो Hola,